चिकन जाके आप कहीं भी खा लो, पर जो जायका पुरानी दिल्ली में है वो बात कहीं और नहीं मिलेगी। तो हमने सोचा क्यों ना आपको दिखाया जाए कि जामा मस्जिद का फेमस चिकन चंगेजी कैसे बनाया जाता है। एक भगोना भर के ग्रेवी तैयार होती है और फिर रात तक बनता रहता है ये बोनलेस चिकन। यहाँ पर एक बार खाओगे तो फैन हो जाओगे। वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है, इसको एंड तक देखना। सबसे पहले यहाँ तैयारी हो रही है ग्रेवी के लिए, तो एक भगोने में पानी भर लिया है और एक क्रेट टमाटर डाले जा रहे हैं। लगभग 60 किलो टमाटर यूज होते हैं ग्रेवी बनाने में, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी है इसकी। अच्छे से धोने के बाद ये सारे टमाटर को एक बड़े से भगोने में भरा जा रहा है। अब टमाटर को कट किया जाएगा, पर उसका भी तरीका एकदम अलग है। तो एक चाकू से भगोने में ही पड़े टमाटर को कट करना शुरू कर दिया है। 5 मिनट में ये सारे टमाटर रफली कट हो जाते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि ये ज्यादा थे तो और लेकर आ गए हैं धोने के लिए। अब इनको भी उसी भगोने में धोया जा रहा है और फिर बड़े भगोने में डाल देते हैं कट करने के लिए। ऑलमोस्ट पूरा भर चुका है भगोना और अब फिर से कट करना शुरू कर दिया है उसी तरह से। टमाटर कट करने के बाद आधा किलो हरी मिर्च डाल दी है पानी में और आधा किलो लहसुन डाल दिया है बड़े भगोने में। मिर्च वाले भगोने में आधा किलो अदरक कट करके डाला जा रहा है और फिर धोकर इनको बड़े भगोने में निकाल दिया जाता है। अब बारी है प्याज की, तो बारीक कटी हुई प्याज आ गई है और उसके ऊपर आधा किलो मोटी प्याज। फिर इनको भी पानी में धोकर बड़े भगोने में डाल देंगे। उसके बाद बारी है मसाले डालने की, तो तेज पत्ता आ गया है। फिर डालते हैं खड़े मसाले और 700 ग्राम नमक डाला जाता है। अब देखिए इस भगोने को उठाकर गैस पर चढ़ाया जा रहा है, जिसके बाद 10 किलो पानी डालते हैं। ऊपर से एक पैकेट डालडा आता है और फिर आधा किलो काजू डालकर पकने को छोड़ देते हैं। ग्रेवी अभी हाफ डन हो चुकी है, तो इसको मशीन में डाला जा रहा है पीसने के लिए। पूरी एक भगोना ग्रेवी जो गैस पर चढ़ाई थी उसको 20 मिनट लगते हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि बॉइल्ड सब्जी डाली जा रही है मशीन में और पीसने के बाद नीचे भगोने में जमा हो रही है। ग्रेवी को पीसने के बाद बड़े भगोने में निकालना शुरू कर देते हैं और ऐसे ही हाफ भर लिया जाएगा इसको। फिर मशीन में ऊपर से दही डाली जा रही है और उसको भी भगोने में भर लेते हैं। ग्रेवी और दही वाले भगोने में से आधी ग्रेवी बड़े भगोने में डाल देते हैं, जिसके बाद उसको पकाया जाएगा। तो अब गैस पर चढ़ा दिया है 30 मिनट पकने को। फिर बची हुई ग्रेवी भी उसी भगोने में डाली जा रही है। और ये भाई ने ऐसा एक बार में क्यों नहीं किया वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब 2 पैकेट डालडा इसमें डाला जा रहा है और थोड़ा नमक डालकर अच्छे से चलाया जाता है। ग्रेवी अच्छे से उबल चुकी है, तो 250 ग्राम लाल मिर्च और 250 ग्राम पीली मिर्च डाल रहे हैं। आधे घंटे इस ग्रेवी को पकाया जाएगा। अब यहाँ चिकन चंगेजी बनाया जाएगा, तो बोनलेस तंदूरी चिकन ले लिया है। ऊपर से जो ग्रेवी तैयार करी गई थी वो डाली जा रही है। यहाँ ये इतना चिकन बार बार बनाया जाता है और रात तक बेचा जाता है। ये डाला जा रहा है ऑयल और फिर आते हैं मसाले जैसे मिर्च, नमक और कसूरी मेथी। 20 मिनट लगेंगे अब इसको पकने में। उसके बाद खूब सारी क्रीम डाली जा रही है और भर के धनिया। फिर तेज आंच पर पकाते हैं 5 मिनट और गर्मा गर्म सर्व किया जाता है ऊपर से क्रीम डालकर। पुरानी दिल्ली स्पेशल चिकन चंगेजी हमारे पास आ चुका है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखो भाई कितना बढ़िया ये लग रहा है। यहाँ पे कह रहा बोनलेस चिकन आपको मिलता है, साथ में ये ग्रेवी है। तो भाई मेरे से अब वेट नहीं हो रहा, तो टेस्ट करते हैं। बहुत ही बढ़िया बना हुआ है, बिल्कुल जायकेदार। आप अगर एक बाइट लोगे ना तो भाई आपके मुंह में इतना पानी आ जाएगा, आपसे फिर रुका नहीं जाएगा जब तक आपका पेट नहीं भर जाता। अगर आप कभी भी जामा मस्जिद आ रहे हो तो आली आमीन पे आओ और भाई ये चिकन चंगेजी ट्राई करो जो यहाँ पे बनाया जाता है। लगभग 4 घंटे लगते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।